Now we will see about vitamin B12. This is the most complex vitamins that we have come across. It is also called as anti-pernicious anemia vitamin, because deficiency of this vitamin B12 causes pernicious anemia. So it is also called as an anti-pernicious anemia vitamin, and it is a unique vitamin synthesized only by microorganisms. It is not synthesized by plants or higher animals. It is synthesized only by microorganisms and not by any plants or any higher animals do not synthesize this vitamin B12. So the source of vitamin B12 will be microorganisms or other animals in whose intestines there will be microorganisms are growing. So they will supply the vitamin B12 or wahan se hame mil sakta hai. स्ट्रक्चर इसका काफी कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसी का होता है. स्टिल इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ. इसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले एक कोबाल्ट यू हैव टू ऐड इट राइट इट एट द सेंटर. देन वी हैव चार नाइट्रोजन्स निकाल दो एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर whose center is occupied by this cobalt. Then just draw perpendicular two bonds for each of the nitrogens. इसके बाद में इसमें five membered rings add करने हैं. Draw five membered rings फॉर ईच ऑफ दिस. इसके बाद में ये जो यहाँ के आपके राइट हैंड साइड का है ये दोनों को एड करोगे एक बॉन्ड से. नीचे वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड से एड करोगे, एक कार्बन से एड करोगे, ऊपर का भी एक कार्बन से एड करेंगे और साइड वाला जो है वो डायरेक्ट एड करेंगे. अगर हीमोग्लोबिन आप निकाल रहे हो तो साइड वाला भी एक कार्बन से ऐड करना है, अदरवाइज इट विल बी अ जस्ट वन डायरेक्ट बॉन्ड विल बी देयर. ये हमारा फोरीन रिंग हुआ. फोरीन रिंग में हमारे पांच फोर फाइव मेंबर्ड रिंग्स हैं, ए पी सी एंड डी. इसमें हमें स्टार्ट करना है बॉन्डिंग. यहाँ पे ए के एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड से हमें यहां से स्टार्ट करना है. देन alternately place the bonds over here. Ring के अंदर में minimum amount of bonds होने चाहिए, ring के बाहर में ज्यादा amount of bonds. और A ring में कोई bond नहीं होना चाहिए. So ये double bonds आपके इतने होते. अगर hemoglobin का है तो it will be a completely conjugated system. ये completely conjugated system नहीं होता है. Porine ring is not a completely conjugated system. में जो होता है पोरफायरिन रिंग, दैट पोरफायरिन रिंग इज ए कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो इसके बाद में यहाँ पे ऊपर देयर विल बी अ मिथिल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप, हियर वी हैव ए CH2 CONH2, हियर अगेन अ मिथिल ग्रुप एंड CH2 CONH2. Here we have a methyl and a methyl. Here we have CH2, CH2, CONH2. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CH2 है. यहाँ नीचे भी एक methyl ग्रुप. Here we have another methyl. इसका जो साइड चेन है दैट वी विल ड्रॉ इट लेटर. यहाँ पे एक CH2, CO. NH2. Here we have a CH3, CH3, and CH2, CONH2. And here we have another CH2, CH2, CONH2.
एक एक्स्ट्रा मिथिल ग्रुप यहाँ पे ए में, और एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा सी एच टू ग्रुप, बाकी सब में सीओ सी एच टू सी ओ एन एच टू ही रहेंगे एंड मिथिल ग्रुप साइड. यहाँ पे जो हमने इसका जो ग्रुप है दैट विल बी अ लिटिल लॉन्गर, ये सी एच टू वन मोर मिथिल ग्रुप, देन देयर विल बी अ कार्बोनिल फॉलोड बाय अमीन दैट इज अमाइड बॉन्ड, देन वी विल हैव अ सी एच टू सी एच सी एच थ्री, देयर विल हैव अ ऑक्सीजन is bonded to a phosphate group, so as it is a phosphate group there will be four oxygens, here it will be CH2OH, hydrogen, yahan pe there will be a benzimidazole, benzimidazole aapne first year mein laboratory mein synthesize kiya tha, it will be a dimethyl benzimidazole. और इसका जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अटैच होगा कोबाल्ट से, नीचे की तरफ में कोबाल्ट से वो अटैच होगा. ये पूरा साइड चेन जो है वो नीचे इस रिंग के नीचे से आएगा एंड नीचे से आपका डायमिथिल बेंजीमिडाजोल जो है उसका नाइट्रोजन का बॉन्डिंग होगा कोबाल्ट के साथ, और ऊपर में कोबाल्ट से देयर विल बी अ साइनाइड ग्रुप होगा, और ये नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड. ये नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड्स बन चुके हैं सो इट विल बी फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके भी तीन बॉन्ड्स बन चुके हैं सो इट विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ के भी तीन बॉन्ड बन चुके हैं इस नाइट्रोजन के सो देयर विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के भी तीन बॉन्ड्स बन चुके हैं इसलिए हमने यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया. सो कोबाल्ट का दो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, सो कोबाल्ट इज इन अ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर दिस पर्टिकुलर रिंग वी कॉल इट एज ए कोरीन रिंग. ये जो है हमारा आइसोप्रोपेनॉल, दिस वी कॉल इट एज ए अमीनो आइसोप्रोपेनॉल, दिस वी हैव ए डायमिथिल बेंजीमिडाजोल, this is our ribose, this is phosphate, so overall these are the structural features of vitamin B12. ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स विटामिन बी होता है, विटामिन होता है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और किसी का भी नहीं होता है, लेकिन स्टिल इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ओनली द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जनरली बैक्टीरियाज जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज हमें ये प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज सोर्स इज विटामिन बी ट्वेल्व का इंटेस्टाइन बैक्टीरियाज होते हैं एंड जनरली जो वेजिटेरियंस होते हैं वो डिफिशियंसीज होती हैं उनको विटामिन बी ट्वेल्व की, पर्टिकुलरली इन जैंस एज वेल एज इन अदर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में विटामिन बी ट्वेल्व का डेफिशियंसीज होता है. जेंज इन अ केस की वो रूट्स वाले जो फूड आइटम्स होते हैं वो भी नहीं खाते हैं तो उसमें भी वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कुछ होता है, अगर वो भी जाता है तो इट गोज इन टू आवर स्टमक एंड दे ट्राई टू मल्टीप्लाई द विटामिन बी ट्वेल्व. तो एक्सटर्नली हमें विटामिन बी ट्वेल्व लेना पड़ता है दैट इज थ्रू द टैबलेट्स, दिस वेरियंट वी कॉल इट एज अ here it is a cyanide group is there at the, as a sixth point of attachment, so we call this as a cyanocobalamin.
which we call it as a cyanocobalamin. There are other variants also. The others are, we have adenosylcobalamin, 5' deoxyadenosylcobalamin, and methylcobalamin. If here there is a methyl group is attached instead of cyanide, then we call it as a methylcobalamin. If it is a 5' deoxyadenosyl group is present over here, then we call it as a 5' deoxyadenosylcobalamin. इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है वी राइट द शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एज एक स्क्वायर निकालो पुट अ कोबाल्ट इन बिटवीन ड्रॉ इट लाइक दिस यहां पे हमारा इस तरह से एक रिंग बना दो एंड ऊपर में जो भी ग्रुप होगा वो ग्रुप वहां पे ऐड कर दो दैट ग्रुप कैन बी मिथिल ग्रुप फॉर मिथिल कोबालमिन साइनाइड फॉर साइनोकोबालमिन या फिर adenosine for a 5' deoxy adenosyl cobalamin. So this way we can write the structure for this vitamin B12. Short structures can be a cobalt over here. You can connect it with 4 nitrogens and top you can have anything out of the 3 possibilities you can have. Either if it is a methyl, and in this side, sometimes we write it DMB or sometimes directly also is available. DMB means dimethyl benzimidazole, and if you are writing it directly also, it will not be a problem. So this will be a cyano, this will be a methyl cobalamin. This will be cyanocobalamin. If there is an adenosine attached, then we call it as a 5' deoxy adenosyl cobalamin. These are the three cyanocobalamins. These are three cobalamins or the vitamin B12 variants. Amongst this, the methylcobalamin and deoxyadenosylcobalamins are called as the coenzyme forms. So they are the ones which are required for the reactions. Cyanocobalamin is not directly involved in the reactions, but methylcobalamin and deoxyadenosylcobalamins are involved in different reactions. And so they are called as a coenzyme forms of vitamin B12. Vitamin B12 structure is a complex structure as we had seen it yesterday. Its molecular formula is C63H90, 14 nitrogens, 14 oxygens, 1 phosphorus and 1 cobalt. Overall, it has a very large number of atoms present in it. It also consists of a chlorine ring at the center. This particular square is a chlorine ring. Then, the sources of this are vitamin B12 is not synthesized by plants and animals, only by microorganisms. So microorganisms are the only sources, either primary sources or the secondary sources. Primary sources, as directly they are present in our intestine, so they can be acting as a source. And secondary source, as if you are eating a non-vegetarian food or a vegetarian food which is containing some bacterial growth in it. Non-vegetarian food mein koi animal products agar aap le rahe ho, to usme aap bacteria unke intestine mein rehte hain aur wo
विटामिन B12 प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए वहां पे जो और हमें विटामिन B12 मिलेगा दैट यू कैन यूटिलाइज इट ओवर हियर, सो दैट विल बी अ सेकेंडरी सोर्स। सिमिलरली कोई प्लांट फूड्स है, प्लांट मटेरियल्स है जो पर्टिकुलरली रूट्स सोर्सेस से अगर आता है तो वहां से हमें वो मिल सकता है, या फिर मेनी टाइम्स इट इज प्रोसेस्ड फूड्स आर देयर, तो उसमें भी काफी बार प्रीबायोटिक फूड्स या प्रोबायोटिक फूड्स आर देयर, सो दोज आर कंटेनिंग दिस बैक्टीरियाज विच आर सिंथेसाइजिंग विटामिन B12, दे विल बी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन B12 प्रेजेंट इन पर्टिकुलरली द प्रीबायोटिक फूड्स। द डेफिशिएंसी डिसीजेस, Indians are generally deficient in vitamin B12, so deficiency diseases will be one that is pernicious anemia because it is involved in erythrocytes, that is RBCs formation, RBCs size formation, as well as maturation of the bone marrow cells. So the deficiency of vitamin B12 will cause anemia. It is characterized by low hemoglobin levels, decreased number of RBCs, that is erythrocytes, and also there will be neurological manifestations, that is neurological changes will be there. Deficiency is also associated with neuronal degeneration. So, degradation of neurons is also happening if there is a deficiency of vitamin B12 is there. So, this was about the deficiency of vitamin B12. And we have biological functions. Vitamin B12 has mainly two functions. One is a transfer of methyl group as a methylcobalamin. It helps vitamin B9 to transfer its methyl group to homocysteine, so that homocysteine can be converted to amino acid methionine. This is carried out by using enzyme homocysteine methyltransferase. And it involves conversion of N5 methyl folate to tetrahydrofolate, that is in the structure of vitamin B9 we had पे एक साइड चेन था, एंड हियर वी हैड NH2, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, एंड वी हैड यहाँ पर डबल बॉन्ड से दो, लेकिन FH4 में यहाँ दो डबल बॉन्ड्स नहीं रहते हैं, एंड वी विल हैव अ हियर एज अ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हियर वी विल हैव अ हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन, एंड हियर दिस विल बी अ फिफ्थ कार्बन व्हिच विल पजेस अ मिथिल ग्रुप, दैट वी कॉल इट एज अ N5 मिथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, so it will be N5 methyl FH4, and this N5 methyl FH4 gets converted to FH4 by donating this methyl group and accepting a proton from here. This is being carried out by using methyl cobalamin. Methyl cobalamin
transfers its methyl group to this tetrahydrofolate, so that the methylation at fifth nitrogen happens, and then methylated FH4 will transfer its methyl group to homocysteine to convert the methionine. Directly, methyl cobalamin does not participate in this reaction. So this is first biological functions or biochemical function. The second one is isomerization. Isomerization of different groups can be carried out by using vitamin B12. Particularly, we use deoxyadenosylcobalamin. Deoxyadenosylcobalamin can be used to isomerize different groups, such as we can have isomerization of methyl malonyl CoA. This is methyl malonyl CoA. If the CH3 is converted, is replaced by hydrogen, it will be a malonyl CoA. If we are adding one methyl group over here, it will become a methyl malonyl CoA. This methyl malonyl CoA can be converted by transferring this CO2 group from here to this carbon, and one of the hydrogens to the other carbon. So that it will just be a transfer of a functional group. So functional isomerism or position isomerisms will be generated. Not functional, but a positional isomers will be generated, where we will have a CO2 group attached to the terminal carbon atom. And this is nothing but succinyl CoA. It is an ester, thioester of succinic acid. So succinyl CoA can be generated from here. And this can be carried out by adenosyl cobalamin. The bond between the cobalamin, cobalt and the adenosyl is very weak, and so it can be easily broken by homolytic cleavage can happen, thereby generating a radical. And that radical then can be utilized for conversion of this methyl malonyl CoA into succinyl CoA. It is via a radical mechanism, a free radical mechanism. So this was for about vitamin B12.